हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ सिविल इंजीनियर्स में। मैं इंजीनियर शाकिर अली आज फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ घर बनाने के तरीके के बारे में कि घर को फाउंडेशन से लेकर स्लैब तक किस स्टेप में लेके जाया जाता है। मैं हर एक स्टेप को आपको क्लियरली बताऊँगा कि कैसे घर बनाया जाता है, कैसे फाउंडेशन से घर को स्लैब तक लेके जाया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि घर की फाउंडेशन करते वक्त जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको मैं बारीकी से बताया हूँ इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। 1 से 3 मंजिला घर बनाते वक्त हमें अपने फाउंडेशन की जो गहराई है वो 7 फीट से कम नहीं रखनी चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि 7 फीट ही क्यों रखनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक स्टोरी का घर बनाया, एक मंजिला घर बनाया, जिसकी फाउंडेशन आपने 4 फीट रखी। अगर भविष्य में आपको उस घर को ऊपर भी बनाना पड़ गया तो आपका फाउंडेशन यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप अपने फाउंडेशन की गहराई 7 फीट से कम न रखें। चलिए हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की। फाउंडेशन का गड्ढा खोदने के बाद हम उसके नीचे पत्थर या गिट्टी की एक लेयर बिछाते हैं और उसकी कुटाई करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि नीचे का जो मॉइस्चर है वो हमारे फाउंडेशन को नुकसान न पहुंचाए। तो ये दूसरी बात है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अपने फाउंडेशन का वर्क करते वक्त। फाउंडेशन में पत्थर या गिट्टी की कुटाई करने के बाद दोस्तों हम उसमें PCC वर्क करते हैं, यानी हम उसका प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट उसमें बिछाते हैं। प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट बिछाते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि इसका जो रेशियो है वो M10 से कम नहीं होना चाहिए और इसकी जो थिकनेस है वो 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं चौथे स्टेप। फाउंडेशन का PCC वर्क कम्प्लीट होने के बाद हम उसमें फाउंडेशन मैट यानी कि जाली बिछाते हैं, जिसे हम फाउंडेशन मैट या फाउंडेशन जाली कहते हैं। फाउंडेशन जाली में आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो डाया बार है वो 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। आप यहाँ तो इस बातों को कहीं पे नोट कर सकते हैं कि 10 mm से कम बार की आप जाली नहीं बनवाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है घर बनाते वक्त आपको जो ध्यान में देना। फाउंडेशन मैट को बिछाने के बाद हम अपने कॉलम को फाउंडेशन से कनेक्ट करते हैं। फाउंडेशन से कॉलम को कनेक्ट करने के लिए हम अपने कॉलम के निचले हिस्से को एल शेप में मोड़ते हैं, जिसकी मिनिमम जो लेंथ होनी चाहिए दोस्तों वो 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 30 cm से कम नहीं होनी चाहिए। कॉलम को फाउंडेशन मैट से कनेक्ट करने के बाद हम इसका PCC वर्क करते हैं। PCC वर्क करते समय हमें दोस्तों जो ग्रेड रखना चाहिए, जो कंक्रीट का ग्रेड जो रखना चाहिए वो M25 से कम नहीं रखना चाहिए, जिसका रेशियो होता है 1 bag cement, 1 bag sand and 2 bag gitti। तो इस रेशियो से हमें अपने कॉलम की कंक्रीटिंग करनी चाहिए ताकि हमारा कॉलम जो है एक अच्छा स्ट्रेंथ दे, हमें हमारी फाउंडेशन को मजबूत बनाए। तो इस तरह से दोस्तों घर बनाने के पार्ट में आज इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीम के बारे में, जो हमारी प्लिंथ बीम होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।